आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास सेवेंथ। हम इसका ज्योग्राफी का फोर लेसन पढ़ रहे थे बायो। उससे पहले मैं आपका जो यूटी स्टार्ट होने वाले हैं 27 तारीख से, उनका सिलेबस बता रही हूँ, आप सभी नोट कर लें। हिस्ट्री में आपका 3-4 लेसन आएगा जिसको आपको लर्न करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में, भूगोल में आपका 3-4 और सिविक्स में भी 3-4, यानी तीनों बुक में आपको 3-4 लेसन लर्न करने अच्छी तरह। ये लेसन भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इतने, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखाऊंगी, तो आपको ये भी लर्न करना है। तो आपका यूनिट टेस्ट पे सिलेबस मैंने बता दिया है, तीनों बुक का आपका 3-4 उसी के हिसाब से आपका हिंदी में लिख लेना सभी। बसंत में 4-5 लेसन आएगा, महाभारत में 5 और 6 लेसन, और उसके बाद व्याकरण में आपके मैंने उपसर्ग और प्रत्यय कराए थे, और क्रिया और काव्य ये आपको लर्न करना है हिंदी के लिए। समझ में आया? ये सिलेबस अपने डायरी में सभी नोट कर लेंगे और लर्न करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वायु के बारे में, जो मैंने आपको हाफ लेसन करा दिया था। आगे आज करेंगे वायुमंडल की संरचना। पहले मैंने वायुमंडल के बारे में पढ़ा दिया था, अब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना क्या होती है। हमारा वायुमंडल जो होता है 5 परतों में विभाजित होता है, 5 परतों में बटा हुआ होता है। पहला होता है शोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है भार्य मंडल, और पाँचवा होता है भ्रह मंडल। तो जो शोभ मंडल होता है उसकी यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जो कि उसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर की होती है। इसके मौजूदगी में हम लोग जो है सांस लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद होती है समताप मंडल, ये शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, जो इनकी समताप मंडल, ये देखिए ये शोभ मंडल, ये समताप मंडल, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ये परत बादलों और मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हवाएं चुड़ाने के लिए आदर्श होती है, यानी कि जब ये मौसम होता है तो हवाई जहाज आसानी से उड़ते हैं। और इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, जो हमारी ओजोन गैस से हानिकारक जो ओजोन गैस होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उनको बचाती है। यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है, जो कि समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, और इसकी लगभग ऊंचाई 80 किलोमीटर के भीतर होती है, ठीक है। ये अंतरिक्ष में प्रवेश करके उसको पिंड जो होते हैं इसमें परत आने पर चल जाते हैं। उसके बाद होते हैं भार्य मंडल, ये भार्य मंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ अत्यधिक तीव्रता से बढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। ये रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग करते हैं ना रेडियो संचार, उसके लिए। भार्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को भार्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है जिसमें गैसें होती हैं जिनका नाम होता है हीलियम, हाइड्रोजन, और यहीं से अंतरिक्ष में ये जो है तैरती रहती है। तो ये मैंने क्वेश्चंस कराया था कि आप वायुमंडल की 5 परतें बताई थी। ये देखिए डायग्राम, जैसे सबसे ऊपर वायुमंडल दे रखा है, फिर उसके बाद मध्यमंडल दे रखा है, फिर समताप सीमा दे रखी, समताप मंडल दे रखा है, शोभ मंडल दे रखा है, वायुमंडल दे रखा है, ठीक है। ये आपकी सारी पद्धति है। अब पढ़ेंगे कि मौसम और जलवायु क्या होता है, मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे आज धूप निकलेगी, छाया होगी या बरसात होगी, ये सब हमें क्या है, ये हमें दिन प्रतिदिन पता चलती रहती है, ठीक है। इससे तो ये होता है मौसम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि तापमान क्या होता है। वह वायुमंडल का तापमान वो होता है जो वायु में शीतलता को, जो ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। उसके बाद ये ऋतुओं के अनुसार जो है तापमान जो हमारा बदलता रहता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी है, सर्दी में ज़्यादा गर्मी, तो ये तापमान के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। उसके बाद आता है आतपन क्या होता है। आतपन होता है कि जो पृथ्वी, जो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे ये रोक लेती है, उसको कहते हैं आतपन। समझ में आया कि तापमान और आतपन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो वायु दाब होता है पृथ्वी की सतह पर, वायु के द्वारा जो क्या होता है कि हमारे शरीर में उताप के साथ जो बल लगता है, और इसीलिए वायु का ताप जो हमारे सभी ऊपर दिशाओं में लगता है वो हमारे सभी विपरीत बल होता है। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर वायु के ऊपर जो भार लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वायुदाब। यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वायुदाब होता है। उसके बाद होता है कि भाई वायु गर्म होती है और क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होती है कि वायु जो होती है ठंडी होती है। देखा होगा ना कि जहाँ पर तापमान टेम्परेचर जो कम होता है वहाँ वायु ठंडी होती है, और जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ गर्म होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि पवन क्या होती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र वाली जो वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं।
तो जब यह गिरी पत्तियों को अपूर्ती है, तूफान के पेड़ों को खाड़ फेंकती थी, तेज गति से जब चलती है उसी महीन धूल, और देख सकते हैं कभी कभी यह पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। जैसे हम चलते हैं तो कठिन हो जाता है, तेज हवन छाता है, तो पवन के कारण ये समस्याएं सारी उत्पन्न होती है। पवन भी तीन प्रकार की होती है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवन स्थायी पवन भी कहलाती है, वर्ष में लगातार निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं मौसमी पवन, यह ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, जैसे सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म। स्थानीय पवन, यह पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय पर चलती है। उदाहरण के लिए समुद्री समीर होती हैं, ठंडी होती हैं, उसी प्रकार शुष्क स्थानीय पवन याद होती हैं, और जो गर्मियों में चलती हैं उसे हम कहते हैं लू कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।